स्वागत है आपका लक्ष्य कैरियर कोचिंग सेंटर फिजिक्स क्लासेस बाय अजय पांडे। पिछले वीडियो में हमने प्रेरणा द्वारा आवेशन पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कुलाम का नियम। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कुलाम का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और इससे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है न्यूमेरिकल बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुलाम का नियम, कुलाम है कौन और इसने जो नियम दिया वो किसके बारे में दिया, तो इसको जानते हैं पहले। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आवेशों के गुण में कि जो आवेश होते हैं उनका दो प्रमुख गुण होता है। समान आवेश जो है प्रतिकर्षित होते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। जैसे कि अगर दो प्लस प्लस हैं, जैसे कि दो अगर प्लस प्लस आवेश हैं, धनात्मक आवेश हैं, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा अर्थात प्रतिकर्षण बल लगेगा। जबकि विपरीत आवेश में जो है आकर्षण बल लगता है। तो समान आवेश में और विपरीत आवेश में ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो ये कितना लगता है और इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं? तो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है इस बल को ही हम कुलाम के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कुलाम के बारे में। तो कुलाम जो है फ्रांस का एक वैज्ञानिक है जिसका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलाम। और इसी को हम ये वैज्ञानिक का पूरा नाम है और ये जो नियम है इन्होंने सन 1785 में दिया था। और इस नियम के द्वारा हम करते क्या है, इस नियम के द्वारा हम जो है दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान निकालते हैं। जैसा कि हम आवेश के गुणधर्म में पढ़ चुके हैं कि आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगता है नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। इसमें समान आवेश में प्रतिकर्षण और जो है विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है। तो कुलाम के नियमानुसार कुलाम ने कहा कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य या किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से पढ़िए कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको समझते हैं कि यह है क्या। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो उनके आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब होगा कि उनके बीच जो लगने वाला बल है वो इनके आवेश की मात्राओं पर डिपेंड करेगा। मतलब कि आवेश का मान अगर बढ़ेगा तो उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ेगा और अगर आवेश का मान घटेगा तो उनके बीच लगने वाला तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है यह जो बल इनके आवेश की मात्राओं पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम आवेश का मान बढ़ाएं तो इनके बीच लगने वाला बल का मान भी बढ़ेगा।
इसका मतलब होता है समानुपाती, और यह समानुपाती होता भी है तीन के गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि दोनों आवेशों का अगर गुणनफल बढ़ रहा है तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, इसको बोलते हैं कि ये समानुपाती है। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगी, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटना, तो अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल घटेगा, और इसके बीच की दूरी अगर घटेगी तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है बढ़ेगा। एक बार फिर से छोटे में समझ लीजिए कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वह आवेशों के गुणनफल में वृद्धि होने के साथ साथ बढ़ता है, और उनके बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो बल घटेगा, और दूरी घटेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं कि माना दोनों आवेश, जो दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ये आपका Q1 और ये Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम के नियमानुसार अगर हम देखें, अगर कूलाम के नियमानुसार देखें तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है, मान लेते हैं कि बल आपका F है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है F, वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी R है, मान लेते हैं Q1 और Q2 दो आवेश जिनके बीच की दूरी R है। तो कूलाम के नियमानुसार यदि इनके बीच लगने वाला बल हम F मान लें, तो जो ये यह F होगा वह इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के गुणनफल के समानुपाती, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। समानुपाती का मतलब कि इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो आपका लगने वाला बल भी बढ़ेगा, और दोनों का गुणनफल अगर घटेगा तो लगने वाला बल भी घटेगा। और दूसरे इसमें कहा गया, दूसरा चीज़ कहा गया कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग और वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि उल्टा, मतलब कि अगर R बढ़ेगा तो F क्या होगा, घटेगा, मतलब इनके बीच की दूरी अगर हम बढ़ाएं तो बल का मान घटेगा, और इनके बीच की दूरी अगर कम करें तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक में ऐड करें, एक में मिला दें, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एक ही जैसा है, 3 को हम एक ही पास लिखेंगे और समानुपाती चिन्ह लिखेंगे Q1 Q2 1/r2। इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 / r2। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, ये हम पिछले क्लास से जो पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, तो यहाँ पर नियतांक आ गया Q1 Q2 / r2, जहाँ K एक नियतांक है, और कूलाम ने अपने प्रयोगों द्वारा इस नियतांक के का मान ज्ञात किया, तो के का मान आया 1/4π ε0। ध्यान से देखना, के का मान क्या आया, 1/4π ε0, इसका मान आया, तो ε0 जो है, हम लोग ε0 क्या है अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर समझिए कि ये टोटली क्या है, एक नियतांक है, और
ये हो सूत्र हो जाता है इस तरह से, k के बदले में रख देंगे इसका मान 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर। ये जो है आपका हो गया कूलाम का नियम। चूँकि यह कूलाम का नियम जो है बल ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो ये एक तरह का बल है, या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और ये जो आपका नियतांक है, इस नियतांक का मान होता है 9 × 10⁻⁹। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक होता है नाइन इंटू टेन टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये रहा कूलाम का नियम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा आप इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।